हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द। अब देखिए, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बेटा? मीन्स हम इनको और क्या क्या बोल सकते हैं, मीन्स इसके और क्या क्या नेम हो सकते हैं, तो वो हमारे होते हैं पर्यायवाची शब्द। मीन्स समान अर्थ वाले शब्द जिनका सेम मीनिंग निकले। तो देखिए, चाहे तो वो बोल दे पर्यायवाची शब्द, चाहे वो बोल दे समान अर्थ वाले शब्द, या फिर वो बोल दे समान अर्थी शब्द, तीनों का मतलब हमारा एक ही होता है। पर्यायवाची का मतलब होता है जिनका सेम मीनिंग हो, वो होते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। जैसे कि देखिए, हम इनको स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो दे रखा है असुर। असुर को हम निशाचर बोल सकते हैं, या फिर हम उसको दानव भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको राक्षस भी बोल सकते हैं। ये तीनों के तीनों नाम असुर के ही हैं, निशाचर, दानव, राक्षस। इसी तरीके से अगला जो वर्ड हमें दे रखा है वो है कमल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं, बिकॉज़ हमें ये पता चलता है अरे इसका ये नाम भी हो सकता था। जैसे देखिए, कमल, कमल को हम सरोज, नीरज, वारिज, इन तीनों नामों से हम जान सकते हैं। कमल को चाहे हम सरोज बोल दें, चाहे हम नीरज बोल दें, चाहे हम वारिज बोल दें, तीनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप देखिए, अगला जो हमारा दे रखा है वो उन्होंने दे रखा है गणेश। गणेश जी जो हमारे गॉड है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनके और क्या क्या नाम हो सकते हैं। गणपति, गणेश जी को हम गणपति भी बोल सकते हैं। एक तो नाम होता है उनका गणपति, एक होता है उनका नाम बेटा लंबोदर, और एक उनका नाम होता है एकदंत। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो नाम हैं वो हमारे गणेश जी के हैं। कौन कौन से? गणपति, लंबोदर, एकदंत, ये तीनों के तीनों जो नाम हैं वो गणेश जी के हैं। आगे देखिए, गो, अब गो का एक नाम है गाय, ठीक है, और एक हम उसे बोल सकते हैं धेनु, और एक हम उसे बोल सकते हैं बेटा सुरभि। मीन्स गाय, धेनु, सुरभि, ये तीनों के तीनों नाम किसके हैं? गो, गाय के हैं। चंद्र, चंद्र को हम बोल सकते हैं इंदु, शशि, राकेश, ये तीनों के तीनों किसके नाम है? चंद्र के, चंद्रमा के। ठीक है बेटा, आगे देखिए, तलवार, तलवार के और क्या क्या नाम हो सकते हैं? तलवार को हम बोल सकते हैं कृपाण, खड़ग, असी, ये जो हमारे तीनों के तीनों नेम हैं, ये किसके नेम हैं? तलवार के, तलवार के ये तीनों नाम हो सकते हैं। उसके बाद देखिए, नदी, नदी के भी बेटा हमारे तीन नाम हो सकते हैं। नदी को हम तटिनी, सरी और सरिता, ये तीनों के तीनों जो नाम होते हैं वो हमारे नदी के होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखिए आप, पक्षी, पक्षी को हम पंछी, विघह, खग, ये जो तीनों के तीनों नेम हैं ये हमारे पक्षी के हैं, पंछी, विघह और खग। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगला नाम आप देखिए, श्री कृष्ण,
श्री कृष्ण को हम क्या क्या बोल सकते हैं, श्री कृष्ण जो हमारे भगवान हैं उनके और क्या क्या नाम हो सकते हैं वो हमें इसमें बताने हैं। तो देखिए, एक नाम बेटा उनका हो सकता है गोपाल, एक नाम हो सकता है मुरारी और एक नाम उनका होता है गिरधर। ये तीनों के तीनों जो नेम है वो श्री कृष्ण भगवान के नेम है, उनको इस नाम से भी हम बुला सकते हैं। आगे देखिए, अग्नि, अग्नि को हम आग भी बोल सकते हैं, अनल भी बोल सकते हैं और पावक भी बोल सकते हैं। ये तीनों के तीनों जो नाम है वो अग्नि के हैं, ठीक है बेटा। आगे देखिए, अश्व, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, मीन्स घोड़े को हम अश्व भी बोल सकते हैं, तुरंग और घोटक। ये तीनों के तीनों जो नाम है वो हमारे घोड़े के हैं। आगे देखिए, आकाश, आकाश को हम बोल सकते हैं नभ, अंबर, गगन। ये तीनों के तीनों नाम हमारे आकाश के हैं, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप आगे देखिए, घर, घर को हम बोल सकते हैं ग्रह, निकेत, आवास। अब देखिए, हाउस जिसमें आप सब रहते हो उसको हम या तो घर बोल दें या फिर ग्रह बोल दें या फिर हम निकेत बोल दें या फिर हम आवास बोल दें, तीनों का मतलब एक ही होता है बेटा, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे देखिए, अब जल, जल को पानी बोल दो, नीर बोल दो, वारी बोल दो, तीनों का मतलब सेम है। जल को हम पानी भी बोल सकते हैं, नीर भी बोल सकते हैं और वारी भी बोल सकते हैं। आगे देखिए आप, इसी तरीके से आप देखिए बेटा, आगे एक हमें दे रखा है वर्ड पर्वत, पर्वत को हम बोल सकते हैं अचल, गिरी, शैल। ये जो तीनों के तीनों नेम हैं ये किसके हैं, पर्वत के। पर्वत को हम बोल देंगे अचल, गिरी, शैल, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे देखिए, धरती, धरती को हम क्या क्या बोल सकते हैं, भू, भूमि, पृथ्वी। ये तीनों के तीनों नाम किसके हैं बेटा, ये धरती के नेम है, ठीक है। भू, भूमि, पृथ्वी, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए, वृक्ष, वृक्ष का हो सकता है पेड़, तरु, द्रुम। ये तीनों के तीनों किसके नाम है, वृक्ष के, पेड़ के, मीन्स ट्री के नेम है ये। या तो उसे पेड़ बोल दो या तरु बोल दो, द्रुम बोल दो या वृक्ष बोल दो, सभी के सभी जो ये नेम है ये पेड़ के हैं। इसी तरीके से आप आगे देखिए, सुमन, सुमन को हम बोल सकते हैं पुष्प, कुसुम, फूल। ये तीनों के तीनों जो नेम है वो सुमन के हैं, पुष्प, कुसुम, फूल। आगे देखिए, बादल, बादल को हम किस किस नाम से जान सकते हैं, बादल को हम बोल सकते हैं घन, मेघ, जलद। ये तीनों के तीनों नाम किसके हैं, बादल के बेटा, ठीक है। आगे देखिए, समुद्र, समुद्र को किस किस नाम से जान सकते हैं हम, सिंधु, सागर, जलधि। ये तीनों के तीनों जो नेम हैं वो समुद्र के हैं, सिंधु, सागर, जलधि। इसी तरीके से आगे देखिए, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेटा वो है सूर्य, सूर्य के और क्या क्या नाम हो सकते हैं हमारे, रवि,
भानु दिनकर, ये जो हमारे नेम है ये हमारे सूर्य के नेम है। इसी तरीके से अगर हम देखें नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोना। सोने को हम किस किस नाम से जान सकते हैं? स्वर्ण, कंचन, कनक, ये जो है ये हमारे सोने के नेम है। चाहे उसे स्वर्ण बोल दो, चाहे कंचन बोल दो, चाहे कनक बोल दो। इसी तरीके से देखें बेटा हाथी। हाथी को चाहे आप गज बोल दो, चाहे करी बोल दो, चाहे मतंग बोल दो, तीनों का मतलब एक ही है, सेम। इसी तरीके से आप आगे देखिए संसार। संसार का मतलब है चाहे आप उसे भव बोल दो, चाहे जग या फिर दुनिया। दोबारा देखिए संसार का क्या क्या हो जाएगा आपका? भव, जग, दुनिया। ठीक है बेटा। इसी तरीके से आँख। आँख के क्या क्या नेम हो सकते हैं? नेत्र, नयन, लोचन, ये हमारे आँख के नेम्स हैं। नेत्र, नयन, लोचन। इसी तरीके से देखिए कपड़ा। कपड़े का हमारा हो जाएगा वस्त्र, वसन, पट। कौन कौन सा हो जाएगा? वस्त्र, वसन, पट। अश्व। अश्व का हो जाएगा घोड़ा, घोटक, तुरंग। ठीक है, अश्व का हमारा क्या हो जाएगा? घोड़ा, घोटक, तुरंग। इसी तरीके से एक वर्ड है बेटा नौका। नौका का हो जाएगा तरी, तरणी, नाव, ये हमारा हो जाएगा नौका का। तरी, तरणी, नाव। ठीक है बेटा, आगे देखिए आग। अंग। अंग का क्या हो जाएगा? देह, शरीर, तन। अंग के और क्या क्या नाम है? देह, शरीर, तन। आगे देखिए आनंद। आनंद के और क्या क्या नेम हो सकते हैं? हर्ष। हर्ष का मतलब भी क्योंकि बेटा खुशी ही होता है जब हम बहुत ज़्यादा खुश हों। सुख, उल्लास। तो आनंद के कौन कौन से नाम हुए? हर्ष, सुख, उल्लास। इसी तरीके से आप आगे देखिए एक वर्ड है इसमें इच्छा। इच्छा का मतलब हो जाएगा हमारा आकांक्षा, कामना, आशा। क्या क्या नेम हो जाएंगे? आकांक्षा, कामना, आशा। ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप आगे देखिए इंद्र। इंद्र के नाम हो जाएंगे सुरेश, सुरपति, देवेंद्र। कौन कौन से नाम है इंद्र के बेटा? दोबारा देखिए सुरेश, सुरपति, देवेंद्र। इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। आगे देखिए ईश्वर। ईश्वर को हम बोल सकते हैं प्रभु, भगवान, जगदीश। ईश्वर को हम क्या क्या बोल सकते हैं? प्रभु, भगवान, जगदीश। इसी तरीके से जंगल। जंगल को क्या क्या बोल सकते हैं? वन, विपिन, कानन। जंगल मीन्स फॉरेस्ट, उसको आप क्या क्या बोल सकते हो? दोबारा देखिए जंगल को हम बोल सकते हैं बेटा वन, विपिन,
कानन, ये तीनों के तीनों नाम किसके हैं? जंगल के। सर्प, सर्प के और क्या क्या नाम हो सकते हैं? जैसे कि सांप, भुजंग, विषधर, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है ना, इसलिए सांप का एक नाम विषधर भी होता है। विष मतलब जहर। तो देखिए सर्प के हमारे क्या क्या नेम हो गए, सांप, भुजंग, विषधर। आगे देखिए बेटा, एक वर्ड है हमारा इसमें दास। दास को क्या बोल सकते हैं? नौकर, चाकर, सेवक, ठीक है। आगे देखिए शिव, शिव का और क्या क्या नाम हो सकता है? शंकर, महादेव, शंभू, ये तीनों के तीनों किसके नाम है? शिव के। कौन कौन से? शंकर, महादेव, शंभू। आगे देखिए समीप, समीप का एक नाम हो सकता है हमारा निकट, पास, आसान। क्या क्या नाम हो सकता है? निकट, पास, आसन, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे? समीप के पर्यायवाची हैं। अंधकार, एक वर्ड हमारा क्या आया इसमें? अंधकार। अंधकार को हम क्या क्या बोल सकते हैं बेटा? अंधेरा, अंधेरा बोल सकते हैं, तम, तिमिर। क्या क्या नाम है? अंधेरा, तम, तिमिर, ये तीनों के तीनों किसके नेम है? अंधकार के। इसी तरीके से इसमें हमारा एक वर्ड आया दूध। दूध को हम क्या बोल सकते हैं? दुग्ध, पय, शीर, ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं? दूध के। दूध को मीन्स हम क्या क्या बोल सकते हैं? दुग्ध, पय, शीर। इसी तरीके से बेटा आप आगे देखिए, एक वर्ड हमारा इसमें नारी। अब नारी को हम क्या क्या बोल सकते हैं? महिला, वनीता, महिला, वनीता, औरत। इसी तरीके से एक वर्ड है हमारा इसमें ध्वज। ध्वज को हम क्या क्या बोलते हैं? झंडा, ध्वजा और पताका। ध्वज को क्या क्या बोलते हैं बेटा? झंडा, ध्वजा, पताका। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको ये अपनी नोटबुक में अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। आप इनको ज़रूर लर्न करेंगे क्योंकि हमारे एक बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं पर्यायवाची। सो आपको इनको सुंदर सुंदर लिखना भी है और इनको थोड़ा थोड़ा डेली के डेली आपको सारा काम धीरे धीरे अच्छे से लर्न भी करना है। सुंदर सुंदर लिखेंगे बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।